हाई दिस इज़ नफीस खान एंड यू वाचिंग NAK ब्लॉग्स। तो इस टाइम मैं अपने दोस्त के साथ पहुंचा हूं एवरलैंड के स्टेशन पे। अभी हम जा रहे हैं कैरिबियन बे, जो कि एवरलैंड का एक स्विमिंग पूल है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। एक ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, गुजारा है, ठीक है। तो हमने सोचा कि बुसान से आए और दो छुट्टियाँ और रहती है, तो क्यों ना हम इंजॉय करें भाई। तो इंजॉय के लिए निकले अभी और इस लोकेशन पे पहुँचे। अभी समझ नहीं आ रही कि बस आएगी यहाँ पे या टैक्सी आएगी, और बिल्कुल यहाँ पे नज़दीक के आसपास में, इतना दूर नहीं है। और तो सोच रहे कि अब टैक्सी पकड़े या बस आएगी, तो लोकेशन ढूंढ रहे। जैसे लोकेशन ढूंढते फिर तो आप लोगों को देते फिर अपडेट। जैसे स्टेशन से नीचे उतरो तो नीचे आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा, यही पूरा शटल है। तो यहाँ पर बस आती है। मैंने एक लड़की से पूछा जो यहाँ की इंतज़ामिया वाली है, तो वो कहती है जो फ्री लेके जाती है कैरिबियन बे और एवरलैंड जो बस जाती है, तो वो फ्री लेके जाती है। मैंने कहा भाई मज़े। तो जैसे बस आती है फिर चलते। और बाकी का लोकेशन इस तरह, ये शटर बस, और बस वहाँ से आएगी। तो फाइनली हम कैरिबियन बे पहुंच गए, और यहाँ पे अब देखते टिकट वगैरह देखते, और जो जैकेट वगैरह जो इंतज़ाम है वो पूरा देखते, तो वो लेते फिर अंदर जाते। और काफ़ी रश है। मैं सोच रहा था रश नहीं होगा आज, मतलब मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है और कोविड की वजह से मैं सोचा था रश नहीं होगा, लेकिन रश है। पहले जैसा नहीं है, जो पहले जैसा होता था वो तो दो घंटे बाद लाइन में खड़े होके फिर बारी आती थी, लेकिन अब उतना रश नहीं है, लेकिन फिर भी है। फाइनली हम पहुँच गए कैरिबियन बे, और यहाँ का जो माहौल है वो इस तरह है, कितना रश है। देखिए भाई, अभी हम यहाँ पे नहाएंगे, यहाँ पे स्विमिंग करेंगे, और शायद ऊपर भी चले जाए, तो देखते हैं फिर। हर जगह पे अलग माहौल है, जहाँ पे जाओगे अलग सिस्टम है पूरा। समझ नहीं आई भाई, चक्कर आ रहे मुझे भाई। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? यार मैंने घबराहट नहीं किया था। पहले मैं सोच रहा था कि बहुत इजी होगा, लेकिन जैसे पाइप के अंदर कर दिया ना, ओए ओए अंधेरा अंधेरा, समझ नहीं आया कभी किधर कभी किधर कभी कौन से रास्ते। ज़्यादा है। चक्कर है भैया, इसका जो एक्सपीरियंस था थोड़ा गुजारा था, इतना नहीं था, बस वो बच्चों वाला था। चलो सही है, थोड़ा जो एक्सपीरियंस हमने कर लिया अच्छा था। अब अगली दफ़ा जाते हैं। सामने वो बंद है, ये ऊपर इस साइड पे और ये ऊपर इस साइड पे, ये भी बंद है। जो सारे ख़तरनाक और एडवेंचर टाइप है ना, वो सारे बंद हैं, नॉर्मल पुल है। देख रहे हो पीछे आपके भाई ने जंप मारा है भाई, 80 मीटर गहरा और वहाँ से निकला। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यार। इतना फील किया, थक गया भाई। अब तो बाहर निकलते और देखते क्या करते। ऊपर से देखने में कुछ इस तरह प्यारा लग रहा है। मैं अभी बाहर आया हूँ वासिक के साथ। वासिक का वाच गायब हो गया पानी के अंदर। अभी ढूंढ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वर्क के पास गया है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कौन सा महंगा वाच है, कौन सी महंगी घड़ी है। मिल गई घड़ी, चलो मुबारक हो। वासिक का वाच गायब हो गया। मैं बाद में वासिक को ढूंढ रहा हूँ, वासिक भी नहीं मिल रहा है। मैं सोच रहा था लगता है वाच के पीछे वासिक भी गायब हो गया। यार बहुत मज़ा आ गया। हमने टिकट ले लिया था, बहुत महंगा 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 नहीं था, सही था, लेकिन हम लेट आ गए। तो जितने का टिकट लिया था उतना का मज़े नहीं लिए। मतलब हम लेट पहुंचे थे। लेट इसलिए पहुंचे थे कि हम कंफ्यूज थे। एक तो लेट आए और दूसरा कंफ्यूज थे। कैरेबियन की बजाय एवरलैंड चले गए। 7 साल पहले आए थे, इसलिए मैं अभी आके ना यहाँ पे कंफ्यूज था सुबह, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा गुजर गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला। तो वहाँ से टिकट दोबारा कैंसिल करा के फिर कैरेबियन दोबारा फिर आए, एंट्री मारी। लेकिन यहाँ पर हम 3 बजे पहुँचे तकरीबन। 3 और 4 और 5 2 घंटे यहाँ पे हमने स्विमिंग की। और मेरा तो दिल कह रहा था कि 6 बजे जाए, लेकिन ये कह रहा कि नहीं 5 बजे। चलो फिर घर भी पहुँचना है यार। तो भाई इस वीडियो की खत्म यहाँ पे करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।